विंटर में फेस वॉश यूज करते हो तो प्लीज बंद कर दीजिएगा, क्योंकि उससे आपके फेस को कितना हार्म होता है ये आपको पता है। और इसमें आपको आज मैं आपके साथ DIY क्लींजर आपके साथ शेयर करूंगी, और ये जो क्लींजर है आपके फेस को क्लीन तो करता है लेकिन आपके साथ आपके आपके फेस का जो मॉइस्चर है उसको लॉक करके रखेगा, आपके फेस को ग्लोइंग बनाएगा और आपके फेस में जो डार्कनेस आ गई है विंटर की वजह से तो उसको भी रिमूव करेगा, वो भी इमिडिएटली। तो इसके बाद में वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा ये जो वीडियो है इसमें हम बनाएंगे DIY क्लींजर। DIY क्लींजर इसीलिए क्योंकि विंटर में हमें डीप क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है, और हम जब फेस वॉश यूज करते हैं तो वो सिर्फ हमारे फेस को ऊपर से क्लीन करता है, लेकिन हमें डीपली क्लीन चाहिए तो हमें इसके लिए क्लींजर ही यूज करना पड़ेगा और हमारा फेस क्लीन हो जाता है और हमारे फेस पे जो डार्कनेस आ जाती है वो भी रिमूव हो जाती है, स्किन ग्लोइंग दिखने लगता है, और जो हम फेस वॉश के बाद हमारे फेस में जो ड्राइनेस आ जाती है तो ये आपको कंप्लेन कभी नहीं रहेगी। अगर आप ये क्लींजर यूज करोगे DIY मेरा तो उससे आपको कोई ऐसी कंप्लेन नहीं आएगी कि आफ्टर आपको क्लींजिंग के बाद आपको ऐसा फेस में ड्राइनेस वगैरह फील हुआ, उसके बाद आपको कुछ लगाने का भी फील नहीं होगा कि मैं फेस पे मॉइस्चराइजर या कुछ लगाऊं, ऐसा भी फील नहीं होगा। तो इतना अमेजिंग रिजल्ट है इसके। और ये जो हमारा DIY क्लींजर है इसको हमें बनाने के लिए सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए यहाँ पे मैंने लिया है हनी, और हनी यहाँ पे मैंने 5 स्पून लिया हुआ है। और हनी आपको पता ही है कि एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है, हमारे स्किन का मॉइस्चर लॉक करके रखता है, दूसरा ये हमारे स्किन का टेन रिमूव करता है, थर्ड पॉइंट है ये हमारे स्किन को ग्लोइंग भी बनाता है इमीडिएटली। अगर हम इसको डेली यूज करते हैं 2 टाइम्स तो आप पे देखिएगा कि आपके फेस पे कितना अमेजिंग रिजल्ट मिलता है। और इसके बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे, यहाँ पे मैंने लिया है एप्पल साइडर विनेगर, एस्टिक का एप्पल साइडर विनेगर लिया है, तो 1.5 स्पून यहाँ पे विनेगर लेना है। विटामिन सी हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है स्पेशली विंटर में, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने एप्पल साइडर विनेगर लिया है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आएगा कोकोनट ऑयल, और कोकोनट ऑयल यहाँ पे मैंने 1 स्पून लिया हुआ है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो अगर आप स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, तो सिर्फ आप हनी और विनेगर दो ही चीज यूज करना है। अगर आपकी स्किन ड्राई है बहुत ज्यादा और नॉर्मल है तो ठीक है, उसको 1/2 स्पून यूज करना है। अगर आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई है तो आपको 1 स्पून यूज करना है। तो फिर अभी ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद फिर इसको आपको स्टोर करना है, तो इसको आपको ऐसे कांच की बोतल में स्टोर करना है। तो इसको अप्लाई कब करना है, इसको आपको जब भी फेस वॉश करना हो तब आप इसको अप्लाई कर सकते हो, इसको आपको मॉर्निंग एंड नाइट 2 टाइम तो करना ही है। अगर आप बीच में कहीं बाहर जाते हो तो बाहर से आने के बाद भी इससे ही आप अपना फेस वॉश करिएगा, तो फिर देखिएगा कि आपके फेस पे कितना क्लीन फील होगा। तो आपको इसको अप्लाई करना, इसको थोड़ा सा अपने हाथ में लेना है और उसके बाद फिर अपने फेस पे मसाज करना है। तो एक 2 to 3 मिनट्स हमें मसाज करना है और उसके बाद इसको फिर थोड़ा सा ड्राई होने दीजिए अपने फेस पे। तो आप ये सोचिए ये क्लींजर भी है और आपके फेस का फेस पैक भी है, तो डेली सुबह सुबह एक तो विंटर में वैसे भी हमें लेजीनेस फील होता है और उसमें ये बनाओ वो बनाओ तो वो फील होता है कि ये कहाँ ये सब करे, तो उसमें ही हम अपना कुछ करते नहीं है। तो अगर आप ये क्लींजर बनाओगे ना तो उससे आपको बेनिफिट यही मिलेगा कि डेली आपकी स्किन केयर हो जाएगी, आप अपना स्किन क्लीन भी करोगे और साथ में आपको फेस पैक का भी इफेक्ट मिलेगा। तो बस आपको इसको थोड़ा सा ड्राई होने देना है और उसके बाद फिर इसको आपको क्लीन कर लेना है, अपने फेस को वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद देखते हो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने अपने फेस को वॉश किया है, मतलब जरा भी ड्राइनेस फील नहीं होगा। इसके बाद आप अगर इसको यूज करते हो तो इसके बाद आपको जरा भी ड्राइनेस फील नहीं होगा, तो इसका इतना अच्छा रिजल्ट आता है। तो आप इस विंटर जरूर ट्राई करिएगा और आपके जो भी कमेंट्स हैं, आपके जो भी एक्सपीरियंस है, आपका जो भी रिजल्ट है मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ऑरोबिटिकेयर, तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो करके सकते हो और आप अपने अपने जो भी प्रॉब्लम है, आपके जो भी रिजल्ट है मेरे साथ DM करके जरूर शेयर कर सकते हो। तो इसके बाद पे मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।